दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ड नेशन पे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि ये ब्लैक फंगस नाम की बीमारी क्या है या किस प्रकार फैल रही है, कोरोना मरीजों के लिए या किस प्रकार घातक सिद्ध हो रही है, इससे आँख की रोशनी क्यों जा रही है और नाक की हड्डी किस प्रकार गल रही है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। दोस्तों, ब्लैक फंगस नाम की बीमारी के लक्षण हैं चेहरे के एक हिस्से में सूजन आ जाना और आँखों का बंद हो जाना, सिर दर्द होना, बुखार होना और आँखों में दर्द होना, नाक का बंद हो जाना या मानो साइनस हो गया हो और नाक के पास सूजन आ जाना, दांतों में दर्द होना, मसूड़ों का फूज जाना और दांतों का ढीला हो जाना, मसूड़ों में पस जम जाना, कुछ इसी तरह के लक्षण ब्लैक फंगस नाम की बीमारी में स्टार्टिंग में दिखाई देते हैं। ICMR की रिपोर्ट की माने तो यह उन कोरोना पेशेंटों में ज़्यादा हो रहा है जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं या जिनको डायबिटीज है या फिर जिनका इम्यून पावर बिल्कुल ही कमज़ोर है। लेकिन इसका असर सबसे ज़्यादा डायबिटीज पेशेंटों पे पड़ रहा है। डायबिटीज पेशेंटों के लिए चाहिए कि वह अपना शुगर लेवल नियंत्रित रखें और अपने इम्यून पावर को बरकरार रखने के लिए अपना ध्यान दें। ब्लैक फंगस नाम की बीमारी से मस्तिष्क, फेफड़ा और त्वचा पर बहुत ही ज़्यादा इसका असर पड़ रहा है। वहीं कुछ मरीजों को ब्लैक फंगस के कारण जबड़े और नाक की हड्डी तक गल जा रही है। अगर इसका समय रहते इलाज ना हुआ तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। और विशेषज्ञों की माने तो यह म्यूकोरमाइकोसिस संक्रमण यानी ब्लैक फंगस नाम की बीमारी हमारी बॉडी में बहुत ही तेज़ी से फैलता है और इसका प्रभाव हमारे अन्य क्षमताओं पर भी पड़ रहा है। दोस्तों, हम आपको यहाँ बता दें कि इस ब्लैक फंगस नाम की बीमारी से निपटने के लिए कोई भी कारगर सिस्टम नहीं है और मौजूदा हालात में ब्लैक फंगस से निपटने के लिए कोई कारगर सिस्टम हमारे पास नहीं है। दवा के शॉर्टेज के चलते इसकी कालाबाजारी अभी से ही स्टार्ट हो गई है, इसीलिए सतर्कता ही हमारा बचाव कर सकती है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।